करें तो कैसे करें, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है जब भी हम करने लगते हैं। मुझे भी दर्द होता है, मेरे घुटनों में दर्द होता है और मेरा बेगम को भी दर्द होता है वहाँ पे। वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है, दर्द होता है बोलती है, हम कर नहीं पाते हैं। दो सवाल है आपका, एक तो आपका घुटनों में दर्द होता है आप नहीं कर पाते हैं, दूसरा आपके बेगम को दर्द होता है। आइए बताते हैं इसका क्या है सोल्यूशन, दोनों का बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को मुझे पता है आप कान खुल कर सुन रहे हैं और मैं कैसी लग रही प्लीज बताएगा कमेंट सेक्शन में। हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी डॉक्टर सरहाना एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर सरहाना। जल्दी जल्दी आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर देना है जल्दी जल्दी, ताकि आपको जो भी सवाल है आपका मैं जल्दी जल्दी नाम लेकर बता सकूं। ये सतीश का सवाल है, तो आइए बताते हैं आपको। दोस्तों जब भी आप करने लगते हैं डॉगी स्टाइल में तो आपको ऐसा फील होता है कि बहुत अच्छा लगेगा आपको। किसी किसी लोग को तो ऐसा होता है कि दर्द होने लगता है उनको, और जब उनको दर्द होता है तो भैया वो तो उस फील को ही नहीं ले पाते हैं। क्यों होता है दर्द? जिनका घुटने ज्यादा कमजोर है, जो कर नहीं पाते हैं तो उनको दर्द होता है, वो कमजोर होते हैं, वो कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए क्या करना है? तो दो सवाल है, दोनों सवाल का मैं इसमें बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले एक लाइक करना है ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मुझे कितना प्यार दे रहे हैं, मेरे इन्फॉर्मेशन को कितना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर घुटनों में दर्द हो रहा है आपको तो दो कारण हो सकती है, एक कि आपका चोट लगी हो, दूसरा कारण ये है कि आपका कैल्शियम की कमी हो। तो दोस्तों चोट लगी अगर है आपको तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई सा भी स्प्रे से स्प्रे कर लेना है, इससे भी दर्द खत्म हो सकती है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज से भी दर्द खत्म हो जाती है। तीसरा, अगर आपको ये लगता है कि आपका कैल्शियम की कमी है, आपका घुटना में दर्द हो रहा है, आप बैठ के ऐसे घुटना करके भी आप बैठ नहीं पाते हो, है ना, या फिर आप खड़े होके भी आपका पेट भारी है, इसी वजह से भी आपको दर्द होता है, आप कर नहीं पाते हो, लड़की के भी घुटनों में दर्द होती है ना, तो इसके लिए क्या करना है? ज्यादातर लड़कियों के घुटनों में दर्द होता है और उनका जो अंदर करते वक्त भी दर्द होता है। दोस्तों इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या आपको भी ऐसा होता है? तो दो चीज तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है घुटनों के बारे में। तीन नंबर जो है, इसके लिए आपको दो काम करनी है। एक तो सबसे पहले मिल्क लेना है एक ग्लास, उसमें थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, ओके, और साथ ही साथ आप अजवाइन, या फिर अगर अजवाइन नहीं खाते हैं आप कोई बात नहीं, तो साथ ही साथ आप मिर्ची डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल दीजिए, उसको अच्छे से उबाल लीजिए, इसके बाद आप दोनों पी सकते हो। अगर नॉर्मली लड़का का घुटनों में दर्द है तो वो भी ले सकते हैं, अगर उनका घुटनों में दर्द नहीं है तो लड़की का है तो वो भी ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा है, कैल्शियम मिल जाती है। और एक मैं आपको बताना चाहूंगी कौन सा चीजें आपको लेनी है, पता है आपको? आपको लेना है व्हाइट कलर का जो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, तिल, व्हाइट तिल जो होती है उसको लेना है, बिकॉज उसमें ना बहुत अच्छा मात्रा में मिल जाता है, तो इससे आपको फायदा मिल जाएगा। एक चम्मच में ये ऐड कर दीजिए अच्छे से मिक्स करके, या फिर सुबह के टाइम आप ले लीजिए एक चम्मच, चिबा लीजिए, फिर पानी पी लीजिए, इससे भी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और लड़की के लिए मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगी, आपको ही मैं टिप्स दे रही हूं, अगर उनको दर्द होता है तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको लुब्रिकेशन का यूज करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड से करते हो तो स्पीड को थोड़ा स्लो कर दो। ये दो आपके लिए टिप्स है लड़की का, जो आपको करना है, लड़की को नहीं। और बाकी तीन टिप्स मैंने आपको बता ही दिया, एक होम रेमेडी बता ही दिया है, तो क्या दिक्कत है भैया? इस लाइव को शेयर करो, इस वीडियो को प्यार मोहब्बत दो, और हमें प्यार मोहब्बत देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है। और मैं आज प्यारी लग रही हूँ ना, और आज तो जुम्मा है, तो जुम्मा मुबारक आप सबको। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, ना ख्याल।